मेरा नाम विश्वास है, मैं अहमदनगर शहर से बात कर रहा हूँ और मेरी जो गवाही है वो गवाही जो है कि वो 2012 साल की बात है कि उससे पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। अचानक मैं बीमार पड़ गया और मुझे इतने बुखार थी कि वो बुखार मेरी कम नहीं होती थी, कम से कम 24 घंटे में वो कम से कम 22 घंटे मुझे बुखार थी और एक एक घंटा जो बीच में आता था वो पूरा की पूरा बदन में जो पसीना आता था वो पसीने से पूरा की पूरा बदन मेरा गीला हो जाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे बीमारी क्या हुआ है। तो ऐसे करके पुणे में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने चेकिंग किया और जब चेकिंग किया खाली एक हॉस्पिटल ने बताया कि आपको जो है कि कैंसर की बीमारी हो गई है। मेरा जो एज था वो 38 साल था और इस 38 साल में इतना कैंसर जो डॉक्टर बोलते थे कि लिम्फोमा हुआ है और लिम्फोमा बोले तो मेरे पूरे चेस्ट में ऐसा गांठ हुआ था कि पूरे के पूरे चेस्ट पूरा चेस्ट में और मेरे लीवर तक वो गांठ फैली थी। और जब ये बोले कि डॉक्टर बोले कि ये लिम्फोमा कैंसर है और इस कैंसर से आप बच नहीं सकते क्योंकि ये फोर्थ स्टेज का कैंसर है और ये कैंसर से मैं बहुत ही परेशान था। हाँ, और जब डॉक्टर बोले थे कि आपको ये केमो लेना है तो ये केमो के बाद आप तो मर सकते हैं और उस वक्त मैं प्रभु यीशु को वचन दिया कि अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मैं ज़रूर आपका काम करूँगा, तो मुझे ज़िंदगी दे, मैं तेरी सेवा करूँगा। और उस दिन से प्रभु यीशु ने मुझे टच किया, प्रभु यीशु ने मुझे ताकत दी और उससे ऐसा हुआ कि 8 केमो लेने में प्रभु यीशु ने मुझे ताकत दी। उसके बाद मेरा पूरा कैंसर निकल गया, मैं खड़ा हो गया और परमेश्वर की सेवा में उतर गया। सब दुनिया के काम जो है वो काम सब मैंने छोड़ दिए और खाली एक ही मैंने तय किया कि अभी कोई काम नहीं, खाली यीशु मसीह का मैं काम करूँगा। मुझे 2012 के बाद थोड़ा बहुत ऐसा बुखार आता था, कभी सर्दी खांसी का प्रॉब्लम होता था और इसके बाद मेरे मन में ऐसा डर था कि ये जो है अभी मैं तो सेवका कर रहा हूँ, अगर ये सेवका क्या होगा, उसके बाद क्या होने वाला है, अगर मैं मर गया तो ये सेवका का कैसा होगा, क्या होगा। मैं तो प्रभु यीशु को वचन दिया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी सेवका ही करूँगा। ये डर मेरे मन में था कि मैं अभी जो बीमारी है ये कैंसर की बीमारी वो मुझे वापिस आए, अगर उसमें मैं बीमार होके मैं अगर ये हुआ तो मेरे परमेश्वर की महिमा तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद मृत्यु हो गई तो अनेक लोगों का जो विश्वास है यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो उड़ जाएगा। फरवरी 2015 में डॉक्टर पॉल दिनरकन उनकी अहमदनगर में मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं शामिल हुआ। जब मैं बैठा था और मैं बोला कि प्रभु यीशु अगर सबका नाम आता है मैं आपका सेवका ही करता हूँ, सब आता है मेरा नाम आएगा, मुझे खुशी होगी कि मैं मेरी एक गवाही बन जाए। और ऐसा सोचते ही उसी वक्त तुरंत पवित्र आत्मा ने उनको ज्ञान दिया और उनके मुंह से मेरा नाम आया कि विश्वास, और मैं बहुत खुश हो गया और मैं दौड़ के ऊपर चला गया और उन्होंने बताया कि आप पर परमेश्वर का ज्ञान आ रहा है और आप एक परमेश्वर का सेवक बनने वाले हैं, आपको जो आपके अंदर जो अंधकार है जो मृत्यु का भय है वो आपको छोड़ के जा रहा है। विश्वास, विश्वास, God touched you right now. देवा ने तुम्हारे एक क्षण स्पर्श किया है। Wisdom is coming upon you. देवाचं ज्ञान तुम्हावर येत आहे। The spirit of darkness and death and fear is leaving you now. आणि अंधकार आणि मरण आणि भीतीचा आत्मा तुम्हाला सोडून जात आहे आता। Yes, the demon powers are leaving now. होय, सर्व सैतानी शक्ती निघून जात आहे। You shall be a servant of God and become very prosperous too. आणि तुम्ही देवाचं सेवक व्हाल आणि फार समृद्ध पण होणार। इससे पहले मैंने कभी उनको ये शेयर नहीं किया कि मुझे कैंसर है, या मैंने कभी उनको बोला नहीं कि मुझे ये ऐसी ऐसी बीमारी हुए, या कभी मैंने बोला नहीं कि मैं ऐसा ऐसा छोटा छोटा परमेश्वर का काम करता हूँ, ये कभी ऐसा बोला नहीं था। लेकिन परमेश्वर का ध्यान मेरे ऊपर था और उसके माध्यम से पवित्र आत्मा उनके थ्रू मुझसे बात की, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं
मेरे बारे में वैयक्तिक रूप से मेरे बारे में उनको कुछ पता नहीं था. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. I know you love your servant. तू तुझे या सेवकावर प्रीति करतो मला माहिती आहे. You are giving him a new life. त्याला नवीन जीवन तू देत आहेस. Long life. Joy in the ministry. आणि सेवेमध्ये आनंद. Open doors. आणि उघड दरवाजे. Jesus name. येशूच्या नावात. I'm so happy. मी फार आनंदित आहे. So happy for you. 6-7 साल हुए कि आज तक कोई ऐसा बीमारी का नाम नहीं या कोई ऐसा कैंसर नहीं कि उस कैंसर से उसका जो डर है वो डर मेरे मन में नहीं. एक ही साल में परमेश्वर ने एक बड़ा चर्च मुझे दिया और जो भी चर्च दिया वो परमेश्वर ने ही पूरा बिल्ड करके दिया. और मेरे चर्च का जो नाम है वो विक्ट्री ऑफ जीसस है. और उसमें अभी कम से कम जैसे भविष्यवाणी हुई उस वक्त से कम 600 से 700 लोग कम से कम इकट्ठे होते हैं. 10-15,000 पीपल जो है वो चंगाई प्राप्त किए और उन तक प्रभु यीशु का नाम गया. और जो आज जो मैंने ये गवाही दी है ये सचमुच है कि ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है. और जो दास है पास्टर पॉल दिनाकरन उनके मुंह से जो मेरे बारे में जो बोला है परमेश्वर ने और वो हमारे बीच में आए इसलिए हमें उम्मीद और उनसे जो ये हुई प्रोत्साहन जो है उनसे प्रोत्साहन मिला और उस सेवका में हम बढ़ गए. और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ज़िंदगी दी और ज़िंदगी इसलिए दी कि आप जैसे जो लोग हैं जो आज इस बीमारी में हैं कुछ ऐसे परेशानी में हैं कुछ दुख में हैं उनके लिए आज परमेश्वर मेरा इस्तेमाल उनके लिए कर रहा है. और ऐसा ही जो मेरे आज गवाही सुन रहे हैं आप अगर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपका ही इस्तेमाल करेगा. जैसा मेरा किया है जैसे मुझे परमेश्वर ने ज़िंदगी दी है वैसे आपको ही देगा और परमेश्वर आपका ही इस्तेमाल करके उसके महिमा में आपको लाएगा. और मैं परमेश्वर के नाम को दिल से धन्यवाद देता हूँ. प्रभु यीशु के नाम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे चंगाई दी और उसके कार्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है. सचमुच परमेश्वर जिंदा खुदा है. यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो जल्दी आने वाला है. आमीन.